हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों, काफी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि वो जब इंस्टाग्राम पर किसी पर्सन की आईडी सर्च कर रहे हैं, जहां पे सर्च बार में उसकी आईडी नहीं आ रही, हमें मिल ही नहीं रही। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सबसे पहले इसके कारण बताऊंगा, उसके बाद आपको 100% सोल्यूशन बताऊंगा। आपकी जो भी आप आईडी सर्च कर रहे हो, 100% आपको जहां पे देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आपको सब कुछ समझ आएगा। बात करते हैं सबसे पहले कारण की। जैसे हम जहां पे इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं, दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप जिस पर्सन की भी आईडी सर्च कर रहे हो, उसका जो भी यूजर नेम है, वो पूरा आपको जहां पे एक्यूरेट टाइप करना पड़ता है, पूरा बिल्कुल भी जहां पे इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, तभी उस पर्सन की जहां पे ऊपर आईडी आ पाती है। सबसे पहला कारण दोस्तों ये हो गया। दूसरे नंबर पर कारण है, अगर दोस्तों आपने किसी पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है, या फिर उस पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो सर्च बार में कभी भी उस पर्सन की आईडी नहीं आएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और तीसरे नंबर पर दोस्तों आपको अपनी ब्लॉक लिस्ट जरूर चेक करनी है, क्योंकि अगर आपने उसको पर्सन को ब्लॉक किया हुआ होगा, तो जैसे उसको अनब्लॉक करोगे, उसकी आईडी 100% जहां पे सर्च में आ जाएगी। अब काफी सारे लोगों का मुझे ये भी सवाल रहता है कि जिस पर्सन ने हमें अगर ब्लॉक किया हुआ है, अगर हम जहां पे न्यू अकाउंट बना के अगर उसकी आईडी सर्च कर रहे हैं, तो फिर भी जहां पे सर्च में नहीं आ रही। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब भी कोई आपको इंस्टाग्राम पर ब्लॉक करता है, इंस्टाग्राम उस पर्सन को दो ऑप्शन जहां पे देता है। सबसे पहला ऑप्शन जहां पे होता है ब्लॉक का, सिर्फ सिंपल ब्लॉक का, ठीक है। अगर जहां पे वो सिंपल ब्लॉक नहीं करता, ऊपर वाले पे क्लिक करता है, जहां पे ब्लॉक एंड न्यू अकाउंट दे में क्रिएटेड, मतलब कि उस नंबर से अगर वो, या फिर उसी मोबाइल में उसी नंबर से अगर वो दोबारा अगर कोई अकाउंट बनाएगा नया भी, तब भी उस पर्सन को आपकी आईडी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उस पर्सन ने जहां पे इस सेटिंग को ऑन किया हुआ है। इस तरीके से अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, आप न्यू अकाउंट बनाकर भी उस पर्सन की आईडी जहां पे सर्च नहीं कर सकते। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों, आप उसकी आईडी सर्च कैसे कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जहां पे क्रोम जहां पे ओपन कर देना है, जहां पे आपको गूगल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, गूगल पे क्लिक करके आपको सर्च क्या करना है। सबसे पहले आपको जहां पे लिखना है www.instagram.com, आगे आपको स्लैश डालनी है, जहां पे उसका यूजर नेम डाल देना है। सिर्फ आपको इतना सा टाइप करके सर्च करना है उसकी आईडी, अगर उसने ब्लॉक किया होगा या फिर कोई भी प्रॉब्लम होगी, जहां पे उस पर्सन की आईडी 100% आ जाएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस वीडियो में दोस्तों बस इतने। अगर फिर भी आपको कोई सवाल है इससे रिलेटेड, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू।